पाली दुबे जी की वो भी एक छठी मेहरिया है, या पांचों मेहरिया मतलब छह मेहरिया को कैसे संभालते हैं। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। पर इनके साथ काम अभी करने का मौका मुझे मिला है। इसके पहले भी मैंने 3 फिल्म की शूटिंग किया है वहाँ पनवेल में, जिसके वो डायरेक्टर रितेश ठाकुर जी हैं, अगुआ और नाग नागिन और एक और फिल्म थी। और ये है अनिल काबरा जी की 5 मेहरिया, जहाँ लोग एक मेहरिया से परेशान रहते हैं, बोलते हैं अरे ये जो शादी की लड्डू खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब ये अनिल काबरा जी 5 मेहरिया लेकर आ रहे हैं और मैं तो आज सुना हूँ कि 5 नहीं इसमें 6 मेहरियाँ हैं। आज न्यू एंट्री है आम्रपाली दुबे जी की, वो भी एक छठी मेहरिया है। काबरा जी पांचों मेहरिया मतलब 6 मेहरिया को कैसे संभालते हैं, ये हम सब के लिए है, एक्चुअली भारतवासी के लिए, जो रियल भारत के नागरिक हैं उनके लिए, NRC CAB जो भी ये कानून आया है, जो भी बिल आया है, ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है, ये फ़ायदेमंद है। जो भारत के नागरिक हैं उन्हें तो नहीं भगाया जा रहा है ना, और जो नहीं हैं भारत के नागरिक वो नकली नागरिक बन के रह रहे हैं, उन पर कानून संशोधन बिल आया है। अभी तो ये बिल आया है, बिल पास हो रहा है, होगा फिर इस पर चर्चा होगी, और फिर जिनके नागरिकता रॉन्ग है, जो गलत तरीके से रह रहे हैं उनके लिए ये कानून है। और हमारे जो दूसरे दल के नेता हैं, जो लोग इसको खामोखा हवा दे रहे हैं, गलत ये दिशा में लेके जा रहे हैं इस कानून को, ये कानून भारत के लोगों के लिए, हम सब के लिए, हमारे कानून के साथ चलना चाहिए, कानून जो नियम कानून है उसके साथ चलना चाहिए, ना कि उसका अपोज करना चाहिए। और ये अपोज करो भी तो एक तरीका होता है अपोज करने का, जिस तरह से लोग सरकारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, रोड पे चलते हुए लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं। देखिए, संपत्ति सरकारी हो या हमारी हो, सब संपत्ति, किसी की भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही गलत है। और लोगों को जो भड़काया जा रहा है, जो भड़काने वाले हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि कल होकर के आपके भी बच्चे हैं और हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, भारत के लोग हैं। और ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए आप ये सब मारपीट और जलाना, फूंकना और तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, ये सब गलत है। और देश के, देश वहीं रहेगा, हम वहीं रहेंगे। जो गलत है, गलत का ऑफकोर्स गलत का साथ मत दीजिए, लेकिन जो सही है उसका साथ तो जरूर देना चाहिए। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज 99 को।